दोस्तों आज का ये वीडियो उनके लिए है जो कूलकॉम सीपीयू का आईएमआई रिपेयर करना चाहते हैं। मान के चलिए आपके पास ओप्पो वीवो एक्सिमो रेडमी लेने वो किसी तरह का भी फोन है, एंड्रॉइड स्मार्टफोन है और उसका आईएमआई अगर आप रिपेयर करना चाहते हैं अपने मेडिकल बॉक्स से या मेडिकल क्रेक से तो आप कर सकते हैं। और इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि इस तरह से आप आईएमआई रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि आप मेडिकल क्रेक से जो है किस तरह से अपने कूलकॉम सीपीयू का आईएमआई रिपेयर कर सकते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने मेडिकल बॉक्स से, अगर आपके पास मेडिकल बॉक्स है तो अपने मेडिकल बॉक्स से आप कूलकॉम सीपीयू का आईएमआई किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किसी भी एंड्रॉइड फोन को आईएमआई रिपेयर करने से पहले उसको रूट करना पड़ता है। तो जब तक आपका फोन रूट नहीं होगा तो आप आईएमआई रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको फोन को रूट करना होता है। तो ये सारी की सारी बातें जो है मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे ईएक्स मन्नानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने सब्सक्राइब कर लिया। आप सब्सक्राइब करने से क्या होगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देख सकेंगे। अगर आप कंप्यूटर पर देख रहे हैं तो यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं वीडियो तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मोबाइल पर आप वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन होता है, उसे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। हाय गाइस, मैं हूँ मन्नान और आप देख रहे हैं ईएक्स मन्नान यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है मोबाइल को बूट कराने की, कि अगर आप आईएमआई रिपेयर करना चाहते हैं किसी भी एंड्रॉइड फोन का तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल को बूट कराना होता है। तो बूट कराने के लिए आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना होगा और सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे मोर पर आपको क्लिक करना होगा। मोर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ अबाउट फोन पर आपको क्लिक करना है और जब अबाउट फोन पर आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर में जो है एक बिल्ड नंबर का ऑप्शन होता है और उस बिल्ड नंबर के ऑप्शन पर आपको 7 बार कम से कम आपको क्लिक करना होगा। और जैसे आप 7 बार जब इसमें क्लिक करेंगे तो इसका जो डेवलपर है वो बाहर आ जाएगा। तो इस फोन का जो डेवलपर मैंने पहले से ही ऑलरेडी बाहर निकाल के रखा है, आपको दिखाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ कि आपका अगर डेवलपर बाहर नहीं होगा तो आप यहाँ बिल्ड नंबर पर 7 बार क्लिक करेंगे तो आपका डेवलपर बाहर आ जाएगा। इस तरह से ये डेवलपर जब आपका बाहर आ जाएगा तो इस पर डेवलपर पर जब आप क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इसमें ऑप्शन होगा दो तरह का, आपको ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ। एक इसमें होगा OEM अनलॉकिंग, ठीक है, तो OEM अनलॉकिंग को आपको इनेबल कर देना है। उसके बाद USB डेविंग को आपको जो है इनेबल कर देना है, ठीक है, दो ऑप्शन को आपको इनेबल कर देना। सबसे पहले यहाँ ऊपर आप यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, आपको मैं दिखा दो OEM अनलॉकिंग, इसे इसका स्विच को भी आपको ऑन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं USB डेविंग, जिसके इसका स्विच को भी आपको जो है ऑन कर देना है, ठीक है। इन दोनों स्विच को ऑन करने के बाद आपको USB डाटा केबल से अपने मोबाइल को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना है। जब अपने डाटा केबल से कंप्यूटर में कनेक्ट करेंगे तो आपके डिवाइस मैनेजर में जो है वो डाइक कोड आपको दिखा देगा और आपके जो सिस्टम में जो है वो कूलकॉम का जो USB ड्राइवर है वो इंस्टॉल होनी चाहिए। उसके बाद अपने मेडिकल टूल को आप ओपन करें। मेडिकल टूल को ओपन जब आप करेंगे तो आपको एंड्रॉयड टूल में आपको जाना है और एंड्रॉयड टूल पर जाने के बाद आपको रीड इन्फो पर चेक लगाना है। इन्फो पहले उस मोबाइल का चेक करना है जिस मोबाइल का आप IMI रिपेयर करना चाहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जब मोबाइल का इन्फो दिखा देगा, आपका मोबाइल का मॉडल नंबर दिखा देगा, हार्डवेयर दिखा देगा, उसको आपको यहाँ रूट टैब पर आपको चेक लगाना है, टिक लगाना है। उसके बाद आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और आपका फोन जो है रूट होना चाहिए, ठीक है। जब तक आपका फोन रूट नहीं होगा तब तक आप IMI रिपेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपका फोन यहाँ पे लिखना चाहिए रूटेड। उसके बाद दोस्तों आपको कूलकॉम डाइक पोर्ट इनेबल करना है और कूलकॉम डाइक पोर्ट पर आपको टिक लगाना है, चेक लगाना है, स्टार बटन पर क्लिक करना है और आपका डाइक पोर्ट जो है इनेबल डन लिखनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से जब आपका जो डाइक पोर्ट यहाँ पे इनेबल डाइक पोर्ट डन जब आपको लिख देगा तो आप समझ लीजिए कि कम्प्लीट हो चुका है, अब आप IMI रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों IMI रिपेयर करने के लिए आपके पास अगर मेडिकल क्रेक है तो मेडिकल क्रेक में आपका ऑप्शन होगा CDMA LG का, यहाँ पे इस टूल को आपको सिलेक्ट करना है। इस टूल को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जो है यहाँ पे भी आप रीड इनफो चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप डाइक कोड इनेबल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे भी मैं आपको डाइक कोड इनेबल करके दिखाता हूँ।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी डाइक कोड इनेबल डन लिखा हुआ है और इसका मतलब है कि यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे कोड स्कैन करना है और डाइक कोड जो है हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो हमारे डिवाइस मैनेजर में है, उस कोड को हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद IMEI पे जो हमें टिक लगाना है, चेक लगाना है। उसके बाद हमें IMEI जो यहाँ पर जो है मैंने पहले से ही अपने डेस्कटॉप पे जो है लिख करके रखा है, उसे मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस फोन में आप IMEI रिपेयर करना चाहते हैं उस फोन का जो IMEI आप लिख करके यहाँ पे आपको पेस्ट करना होगा और उसके बाद आप जो है स्टार्ट बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका IMEI जो है सक्सेसफुली जो है राइट हो जाएगा और आपका फोन जो है रिस्टार्ट होगा और उसके बाद जो है आपका काम हो जाएगा। तो चलिए अब दोस्तों आप बात करते हैं मेडिकल बॉक्स के बारे में कि मेडिकल बॉक्स से हम कैसे जो है उसका IMEI रिपेयर कर सकते हैं कूलकॉम सीपीयू का। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेडिकल क्रैक में जो है कूलकॉम का जो ऑप्शन नहीं होता है और मेडिकल बॉक्स के सेटअप फाइल में जो है ये कूलकॉम का ये ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये ऑप्शन होता है, ठीक है। तो इस ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक, ये तो CDMA में आप देख रहे हैं, ये जो है मेडिकल क्रैक में होता है ये ऑप्शन, लेकिन मेडिकल बॉक्स में ये ऑप्शन होता है, ये दोनों ऑप्शन होता है मेडिकल बॉक्स में। तो आपको कूलकॉम टूल को आपको सिलेक्ट कर लेना है और कूलकॉम टूल को जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आप रिपेयर पे देख रहे हैं, रिपेयर पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप रिपेयर पे क्लिक करेंगे तो आपको जो यहाँ पे स्कैन कोड में आपको स्कैन कर लेना है, उसके बाद आपको इनेबल डाइक कोड पर आपको चेक लगाना है। इनेबल डाइक कोड पर चेक लगाने पर आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और जैसे स्टार्ट बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाइक कोड जो है इनेबल होगा और यहाँ पे लिखना चाहिए कि रूट स्टेटस रूटेड, ठीक है। अगर रूट नोट रूट अगर लिखता है तो आपका मोबाइल यहाँ पे रूट नहीं हो पा रहा है, तो ठीक है आप रिपेयर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे लिखना चाहिए रूट स्टेटस रूटेड, ठीक है, तभी आप IMEI रिपेयर कर पाएंगे। तो दोस्तों IMEI रिपेयर करने के लिए यहाँ मेडिकल बॉक्स में IMEI जो सिक्योरिटी रिपेयर सिक्योरिटी यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, तो ये जो है बिल्कुल हाइड रहता है और इसे बाहर निकालने के लिए हमें कंट्रोल M का जो है प्रयोग करना पड़ता है अपने कीबोर्ड पर, तो IMEI का जो ये रिपेयर सिक्योरिटी ऑप्शन है ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर डायरेक्ट कोड आपको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको जो है यहाँ पर IMEI कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जो IMEI जिस मोबाइल में आप रिपेयर करें तो उसके बैटरी जब आप निकालेंगे उसके पीछे में IMEI लिखा हुआ होगा, उसी IMEI को आप यहाँ पर लिख करके कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट करें और यहाँ पे आप चेक लगा दें। उसके बाद जैसे स्टार्ट बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका IMEI जो है राइट हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप IMEI यहाँ पे चेंज नहीं कर पाएंगे, उस पुराने IMEI को ही आप रिपेयर कर सकते हैं, जो उसके मोबाइल में लिखा हुआ है IMEI पहले का, तो वही IMEI को आप रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि किसी मोबाइल का IMEI हम यहाँ पे से चेंज कर लेंगे, आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आप कूलकॉम सीपीयू का जो बैकअप है उसे आप ले सकते हैं अपने कंप्यूटर पे उस मोबाइल का, ताकि अगर बाद में उस मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस बैकअप से आप उस मोबाइल को दोबारा राइट करके उस मोबाइल को आप जो है वापस उसी हालत में आप ला सकते हैं। तो आपने QCN फाइल के बारे में सुना होगा शायद, तो QCN फाइल बैकअप जो है उसे कैसे कूलकॉम सीपीयू का जो बैकअप है किस तरह से मेडिकल बॉक्स में लिया जाता है, तो मेडिकल बॉक्स में मैं आपको उसका जो बैकअप है आपको रीड करके दिखाऊंगा और उसके बाद आपको राइट करके दिखाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वाले वीडियो में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सअप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।